हे गाइस, मोस्टली बिगिनर्स का या फिर जो लोग काफी टाइम बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं फॉर हेल्थ पर्पस, नॉट फॉर बॉडी बिल्डिंग, उनका ये सवाल होता है कि मॉनिटर किस चीज को करना चाहिए, आपके वेट को स्केल पर या फिर आपके बॉडी फैट परसेंटेज को, कि हम किस चीज को टारगेट रखें और हमारा वर्कआउट या हमारी फिटनेस की जर्नी को आगे कंटिन्यू करें। मेरा जवाब इसमें यह होगा, आप दोनों मॉनिटर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन दोनों के भी पहले आपको मॉनिटर ये करना है कि आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वर्कआउट में कंसिस्टेंसी होना चाहिए और जो वर्कआउट के एक्सरसाइज में जो 5 कॉम्पोनेंट यूज होते हैं, आपके स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर फैट परसेंटेज, देन बॉडी कॉम्पोजिशन जो आता है। सो जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब चारों कंपोनेंट आप अपने एक्सरसाइज में कवर कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, और इनका लेवल ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको इसको जज करना, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना ज्यादा बेटर है। एंड देन सेकेंडरी आता है आपका स्केल है बॉडी फैट परसेंटेज, सो दैट कंसिस्टेंसी रखो वर्कआउट में और फिटनेस के कॉम्पोनेंट को ज्यादा मॉनिटर करो रादर देन मॉनिटरिंग योर बॉडी वेट एंड बॉडी फैट परसेंटेज। थैंक यू।